ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक क्लासरूम है। मैं इसे एक चैनल का नाम न देके क्लासरूम का नाम देना चाहूँगा और 20 साल का जो कुछ भी मुझे तजुर्बा है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, हर किसी को वो तजुर्बा मिलना चाहिए। आप अपने साथ एक पेन पेंसिल या कॉपी जरूर रखें साथ में, ताकि जब आप क्लास ले रहे हो तो उसमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगे एट द सेम टाइम आप उसे नोट कर सकें। किसी भी चीज़ को हल्का ना ले। एक स्टूडेंट की अच्छी पहचान यही होती है कि वो हर चीज़ को सीखना चाहता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि इस चैनल पर जुड़ने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि हर टीचर अपनी अच्छी कोशिश करता है, मैं भी अपनी अच्छी कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे ये वादा है कि इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएंगी आपको कुछ नया होपफुली सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज के लेसन में हम क्या सीखेंगे, यूज़ ऑफ इज आर एम। अब जो आपके सामने स्लाइड आ रही है उस स्लाइड में आप देखेंगे इज आर एम, ये पहली बार वर्ब्स की शुरुआत हो रही है। इसमें इज का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब हैं या हो, इसके दो मतलब होते हैं। तीसरा एम, एम का मतलब हूँ। वर्ब्स के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस अगर बनाते हैं तो उसमें वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी हिंदी अगर आप जान गए तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। छोटे छोटे वाक्यों में हम सीखेंगे इज आर एम को, हम छोटे वाक्यों में भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े वाक्यों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए छोटे छोटे वाक्यों में हम इनको देखते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो आप अगली स्लाइड देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स लिखे हुए, इज आर एम, दिस दैट दीज दोस और ए और एन। ये वो वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी आपको पहले बता दी गई है, अगर आपको ना पता हो तो पिछली वीडियो में देख लें। अब इन्हीं से सेंटेंस कैसे बनेंगे इसी के बारे में आपको बताया जाएगा आज के लेसन में। सिंपल सेंटेंस वर्ड ऑर्डर। अब वर्ड ऑर्डर क्या होता है, वर्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है जैसे कि हर भाषा का एक अपना अलग वर्ड ऑर्डर होता है। अगर आप हिंदी में लें मैं एक लड़का हूँ, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लेंगे तो आई एम ए बॉय, उसमें वर्ब हिंदी में लास्ट में आता है, इंग्लिश में सेकेंड नंबर पर आता है, सब्जेक्ट पहले नंबर पर आता है। पहले में तो दोनों में कॉमन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका वर्ड ऑर्डर क्या है, वो आप अपने सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिस इज अ पेन, यानी सबसे पहले सिंपल सेंटेंस हम सीख रहे हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। दिस इज अ पेन, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब। इज आर एम वर्ब है, मैंने अभी आपको बताया। दिस इज ए पेन, यानी सब्जेक्ट क्या है दिस, वर्ब क्या है इज, उसके बाद में कोई भी वर्ड। दूसरा दिस इज अ कॉपी, ये कॉपी है। तो इज आर एम की हिंदी मैंने आपको बताई दी है, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं कि दिस और दैट दीज दोस इनका क्या यूज़ होता है तो उनको जान ही सकते हैं। तो इसको जो वर्ड ऑर्डर है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद आप अगली स्लाइड में देखते हैं कि आज क्या सीख रहे हैं आप। अगली स्लाइड में आप देखेंगे दिस दैट को इज के साथ यूज़ करना सिखाया गया और ए और एन, इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ आप एक कैसे मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई मतलब निकलता हो। मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा मीनिंगफुल क्या होता है, वर्ड ऑर्डर क्या होता है, वो आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा, क्लासेस में बताया जाएगा। इसमें हम क्या सीखेंगे, दिस इज अ पेन कॉपी, इसी के साथ जोड़ा बनाइएगा, इसका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। एन के साथ एप्पल और इंकपॉट, क्योंकि ये वॉवल है, एप्पल ए से शुरू हो रहा है, ये वॉवल लेटर से शुरू है, इंकपॉट वॉवल लेटर से शुरू है, तो इनके साथ ही। दीज और दोस के साथ आर लगता है क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। दिस दैट के साथ इज, दीज और दोस के साथ आर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो पेन्स, कॉपीज, पेंसिल्स, चेयर्स, बुक्स, बैग्स, बॉल्स, अब इनसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ। वैसे आप पेन और कॉपी लेकर बैठे ही होंगे मुझे उम्मीद है। दिस इज़ ए पेन, दिस इज़ ए कॉपी, दैट इज़ ए पेन, दैट इज़ ए कॉपी, दैट इज़ ए, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन इंक पॉट, दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़ एन इंक पॉट। देखा कॉम्बिनेशन से कैसे बना। अब इनका यूज़ कैसे हो सकता है ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जैसे दिस दैट दीज दोस का यूज़ क्या होता है, किसके साथ यूज़ होते हैं आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज आपने अभी तक जो है इन कॉमन वर्ड्स के साथ देखा कि कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब आइए जो अगली स्लाइड है उस अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इज आर एम, माई योर आवर हिज हर देयर, दिस दैट दीज दोस, ये हैं 3, 2, 5, 4, 9,
करीबन 15 वर्ड्स हैं। इन 15 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से अगर आप इनको समझ लेते हैं तो ना जाने कितने सेंटेंस बना सकते हैं, बल्कि अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपको इनका वर्ड ऑर्डर समझ में आ जाए और इनका मतलब समझ में आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी के नीचे दिया हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ माई बुक, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई बुक्स। पेन को प्लूरल बनाना हो तो एस जोड़ दो, बुक को प्लूरल बनाना हो तो एस जोड़ दो, ये आपको पिछली वीडियोस में मैंने बताया ही था। तो होपफुली आप इससे सीख सकते हैं। इसको बार बार देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगली स्लाइड आप देखेंगे वर्ड ऑर्डर, इसमें आप स्लाइड में देखेंगे तो दिस दैट दीज दोज को इज आर एम के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, माई आवर योर हिज हर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो दिस दैट दीज दोज लिखा हुआ है, एक तरफ इज आर लिखा हुआ है और तीसरे नंबर पे माई आवर योर हिज हर देयर लिखा हुआ है। इनकी हिंदी आपको पहले की वीडियोज में बताई जा चुकी है तो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चौथी लाइन में अगर आप देखेंगे कॉपी पेन पेंसिल बैग, कॉपीज़ पेन्स पेंसिल बैग्स, जो इनका प्लूरल है, तो इनके कॉम्बिनेशन से आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दिस इज माई कॉपी, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेंसिल, या दिस इज आवर कॉपी, दिस इज आवर पेन, दिस इज आवर पेंसिल, दिस इज आवर बैग। अब इसको प्लूरल अगर बनाना हो तो नीचे की लाइन्स यूज करें जहाँ कॉपीज़ है, कॉपी का कॉपीज़ हो गया, पेन का पेंस हो गया, पेंसिल का पेंसिल्स हो गया और बैग का बैग्स हो गया, ये सारे दीज और दोज के साथ ही होंगे क्योंकि वो भी प्लूरल हैं और ये भी प्लूरल हैं। तो अब दीज के साथ कैसे बनाएंगे, दीज आर माय कॉपीज, ऊपर वाली लाइन यूज नहीं करेंगे आप क्योंकि ये प्लूरल है दीज और दोस, दीज आर माय कॉपीज, दीज आर माय पेन्स, दीज आर माय पेंसिल, दीज आर माय बैग्स, दोज आर माय कॉपीज, दोज आर माय पेन्स, दोज आर माय पेंसिल्स, दोज आर माय बैग्स, दीज आर आवर, दीज आर योर, दीज आर हिज, दीज आर हर, दीज आर देयर, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वर्ड ऑर्डर में आप गलती ना करें, वर्ड ऑर्डर वही होने चाहिए जैसा इसमें लिखा हुआ है, तभी आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। तो होपफुली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया गया है, जितनी भी स्ट्रेटजी के साथ बताया गया है, बहुत आराम से समझिए, समझ में आएगा आपको। वर्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो शब्द पहले आए उसे पहले लिखिए नंबर वन पे, फिर नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। सिस्टम से लिखेंगे तो मीनिंग निकलेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, यानी वो ग्रामर के हिसाब से वो सही होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उन लोगों के पास करें, अपने भाइयों के पास करें, अपने परिवार वालों के पास करें, रिलेटिव्स के पास करें, फ्रेंड्स के पास करें, ताकि वो लोग आसान भाषा में शुरुआत से इंग्लिश को सीख सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे 20 सालों का तजुर्बा आपके कुछ तो ज़रूर काम आएगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को आज अपनी जानकारी को शेयर करके, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।